मजलिस क्या करने वाली है, मजलिस क्या करी? अरे कांग्रेस का गुलाम जब अभी गुलाम हो मजलिस ने यहाँ तुम्हारे जैसे मजदूरों नहीं किए, तुम मजदूरों मासूमों को जेल में डालने का तुम काम किए उस कांग्रेस ने। यहाँ के मजदूर अब सियासत की हद बदलो, ऐसी सियासत होती है। और हमको कहा जा रहा है कि मजलिस की क्या ताकत है? अरे दीवाने अशोक चौहान तेरी ताकत थी तो 15 में क्यों निकला था, 15 से क्यों पीछे आता? एक अपक्ष को पुरस्कृत करा, लड़ना छोड़ा। ये बहादुर अवाम जो अर्धापुर की है ये उनका नतीजा है कि इनको 15 से 3 दिखा के भागना पड़ा। और हमसे ये पे इल्जाम मत लगाओ कि इन्हें आया उन्हें गया, पहले भी एक गद्दार गया अब भी दूसरा गया। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह के साथ को यकीन है अल्लाह सुभान अल्लाह आपको जरिया बनाएगा और ये जो भाग्य वाला दूसरा गद्दार है उसका भी हिसाब होगा। जो जो गद्दारी किए उनको अल्लाह सुभान अल्लाह माफ करता है, क्योंकि मजलिस मजलूमों की जमात है। जब ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जब दलित ओबीसी मुस्लिम तफाक के ऊपर जब जुल्म होते हैं तो वहां पर आपकी हमारी बेबाकी से अगर कोई बात करते हो तो आपके हमारे महबूब कायद नखीब मिल्लत आला दर सरस्वती नबी से। अब इनको ये मालूम था कि ये आने वाले हैं, मजलिस एक ताकतवर उम्मीदवार लड़ा रही है तो इनके पेट में दुखना सर, इसको फोड़ो उसको। पहले भी यही हुआ, कुछ राष्ट्रवादी वाले भी चले, क्योंकि राष्ट्रवादी का तो जन्म इसीलिए हुआ महाराष्ट्र में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनकी बुनियादी सियासी लीडर नहीं है, शिवसेना से आधे, बीजेपी से आधे, इससे आधे, सबसे फोड़े। इसलिए पवार शरद पवार को घर पोड़िया कहते थे और रांदेव में ये अशोक चौहान है जो मंजूस का घर फोड़ रहा है, ये घर पोड़िया जो समझना पड़े। मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करने आया कि यकीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने 7 उम्मीदवार उतारे, यकीन आप ये ईमानदार आना है यहां की मजलिस के जिम्मेदारों ने बड़ी ईमानदारी से यहां पर काम किया, इन्होंने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से यहां पर उम्मीदवारों को लाया। प्रभाग वार्ड नंबर 10 में अनवर अली एक अच्छा कैंडिडेट हमको मिला। मुझे अल्लाह सुभान व तआला के जात से यकीन है कि अल्लाह आपको दरिया भरेगा, क्योंकि अनवर अली को जिताना और पूरे 7 उम्मीदवारों का आपको जिताना आपका फर्ज है, क्योंकि 10 के अंदर अनवर अली का जो मुकाबला हो रहा है वो किससे हो रहा है आप तमाम को मालूम। एक पुलिस का मुखबिर एक 2015 में मजलिस का गद्दार था, आज उसका टिकट कर दिया। 2014-15 में मजलिस को सबसे पहले धोखा देकर भागने वाला कौन था? बहुत बीच में उड़ रहा था, दलाली करा, एक हमारा थोड़ा खुद का टिकट चले, वो दलाल को भी और वो बेमान का भी हिसाब है किसको करना। और वो पुलिस का जो मुखबिर कांग्रेस का उम्मीदवार उसका भी हिसाब क्या किया हाल है? मैं भी संविधान जानता हूं, मेरे को भी सेक्शन एक यासिर जैसे मासूम को वारंट के अंदर सॉलेंसी लगाना पड़ रहा है, ये सुन रहे हैं कांग्रेस यहां पर बैठा है यासिर, कोर्ट इसको सॉलेंसी मांगता है। बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर फाइन देकर छोड़ा जाता था वारंट को, मगर उसको जेल में रखा गया, ये समझना पड़ा। 10 के अंदर भी हिसाब है, 10 से 17 तक सबका हिसाब कर रहे हैं। 11 के अंदर जाबिर एक नौजवान, ये ऐसा नौजवान है कि अगर तुम बोलेंगे जाबिर उठ कर तो जाबिर भागेगा,
जाबेर आपके खिदमत का ट्रैक का घंटा काम करें, जाबेर को भी कामयाब करना पड़ेगा। बारा के अंदर हमारे शफी साहब के वालदा, उनको भी आपको कामयाब करना पड़ेगा, क्योंकि वो नौजवान भी शोषण काम बहुत करता, दवा खाने का काम करता, बाकी के इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड का भी काम करता। जब ऐसे काम करने वाले लोग आपके बीच में ऐसे नौजवान हैं, तो यकीनन आपका फर्ज है कि ऐसे नौजवानों को आपको कामयाब करना पड़ेगा। चुन के वार्ड नंबर 13 तो आप तमाम लोगों के मारे 13 का एक नौजवान शहबाज कितना सताया है, कितना जुल्म किया। हालत तो ये होगी कि अब शहबाज कहां है, खड़े वाला पुलिस को फोन करके मुखबिरी करता हूं, साहब यहां खड़े वाला। अरे शहबाज के भागने वाला नहीं है, अशोक तू और तेरी पुलिस सुन ले, ऐसे मुखबिरी कर मत, सामने आ, आमने सामने में उसको खड़े करने को। 14 के अंदर हमारे रिजवान साहब की अहलिया इंट्रोडक्शन, उनको आपको 14 वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि अब यह अति तटी की लड़त हो गया। आप तमाम लोग जानते हैं, नगर पंचायत के इलेक्शन होते तो हमारे गांव के हमारे पंचायत के इलेक्शन, अब तो दृष्टि ऐसी इश्यू होंगे कि पालक पत्नी छे सासा जी ना के बढ़ने को तैयार होता है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, खाली मंजिली दिख रही और खाली इल्जाम के शुरू। 15 के में तो हालत ऐसा होगा कि चप्पल छोड़ के भाग गया, पुरस्कृत उम्मीदवार को दे दिए, वो था ना एक कांग्रेस का भाग गया, वो भाग गया, ये भी भाग जाता दो दिन में इंशाल्लाह, डरो मत, ये आवाम तुम्हारे 15 में उनको। अब रही बात 17 की, 17 में तो गद्दारों को खतरा, क्योंकि 17 का हिसाब था, क्योंकि ये जो भागा इसके पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, मैंने पिछले साल इम्तियाज जलील साहब को कि मेरा एक अर्धापुर में नगर सेवक है साहब, इसको यहां पर हमको इस अर्धापुर के विकास के लिए फंड देना पड़ेगा, तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा था ये कोविड के वजह से पूरे फंड आम खासदारों के रोके गए, फिरोजाना जब भी शुरू होगा तो इंशाल्लाह अजीज नांदेड़ के अंदर अर्धापुर नगर पालिका में मैं फंड दूंगा, ये इम्तियाज जलील साहब ने कहा। तो किसके लिए, इसी के मरो गद्दार निकल रहे, जमात से गद्दारी और मान से गद्दारी, अब वो गद्दार को हराना है, और प्रकाश जैसे एक माजी नगर सेवक को हमने लाया है, मैंने उसको रिक्वेस्ट करके लाया हुआ था, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, ये 7 के 7 उम्मीदवार, ये अच्छे उम्मीदवार है, 7ों को आप कामयाब कीजिए और 7 रीत से कामयाब कीजिए। प्रकाश एक अच्छा नगर सेवक, पिछले कहीं एक साल उन्होंने नगर सेवक रह चुका है, माजी नगर सेवक रहने वाला है ये प्रकाश, एक वक्त नया नवाजा ये प्रकाश को। मैंने कहा ये अर्धापुर की बहादुर आवाम है, तेरे पूरे गम ले लेंगे, उनके पूरे खुशियां तेरे झोली में दे देंगे। 7 के 7 उम्मीदवारों को तुमको हमको जिता था, जिता और हम पे इल्जाम हम वोट काटने, हम जीती। मुझे बताइए कि परसों के दिन जो विदर्भ के नागपुर में एमएलसी के इलेक्शन हुआ, कितने लोगों ने देखा टीवी पे वो कैंडिडेट जीत गया, हाथ उठाओ ना, कौन कौन
जरूर देखा। आप लोग नहीं देखे टीवी पे, न्यूज चैनलों पे नहीं देखे, आप ही देखे। कौन जीता? बीजेपी जीती। वोट किसने दिया? कांग्रेस और एनसीपी के 40 लोगों ने बीजेपी को जिताया और बीटिंग हम हो गए। अरे दीवाने अशोक, इतने दीवाने नहीं है रे। अब नगर पंचायत में रहने वाले ये खांदे बहुत ज्यादा थे, आपने बोला तो ठीक है। अरे हम पाकते नहीं है तो हमको बोल रहा, मेरे अपने गिरेबान में झांक कर दे, तेरे अपने जमात के नगर सेवक बीजेपी को 52 पूरे वोट दे के जिताए और हमको भी दे। अरे यकीनन ये अल्लाह सुभान व तआला का इंसाफ है। अल्लाह ने बता दिया कि इनको भारत के अंदर बीजेपी की बेटी अगर कोई है तो कांग्रेस का। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं हर वक्त आया, हर वक्त कहा, आज भी कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि अलीम दादा, यहां की टीम इन तमाम से जब भी यहां की आवाम से खिताब करता था, मैं हर वक्त कहता था कि आप फिक्र मत करो, जब भी मसाइल आएंगे, जब भी कोई मामला आएंगे तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शाना बशाना आपके साथ खांदे को खांदा लगाकर खड़े रहेंगे। ये भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ये जमात के मेरे 7 उम्मीदवारों को आप कामयाब कर दो, इंशाल्लाह अजीज। ये लोग कल करीम कॉलोनी, ये 30 साल पहले बसे हुए करीम कॉलोनी में यहां पर विकास जो हुआ, मैं वादा कर रहा हूं ये 7 के 7 लोगों को, मेरे उम्मीदवारों को आप भेजो, इंशाल्लाह और अजीज अर्दापुर के महलों का विकास और इनका चेहरा मेरा बदलने की जिम्मेदारी ये फिरोज लाला की नहीं है। आज इसलिए ये इंतखाबात की जो प्रोसेस चल रहे थे, कुछ लोगों ने बहुत से बातें किए, यहां के जिम्मेदारों को कहे, नांदेड़ के जिम्मेदारों को बोले ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो फलाना वो बिस्तारा। मैंने उनको कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं तब भी बोला था, आज भी आप तमाम लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं, धूप काले में तो सबको पसीना आता, मैंने वादा किया था आपसे कि ठंड काले में कांग्रेस का पसीना मैं निकालूंगा। देख लिए आबादी में खरब में क्या क्या होगा, पसीना पसीना हो गए, पूरे नांदेड़ के दौराने को लाके बैठे अर्थात की पादुरवानी आप पर कर। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले 21 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, उनकी निशानी पतंग पतंग की मोहर मोहर पतंग पर मोहर लगाइए, वो पतंग के निशान पे दुआओं के साथ उनको अपना खीम की ओर दीजिए, दुआओं से नवाजिए और साथ के साथ को कामयाब कीजिए। यही आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहे हैं। और आज वारिस से आके गए, मैं यहां पर बता रहा मुनासिब, अभी तो यहां पर आज शुरुआत हुई तो यहां के लोगों का ये कहना था कि महाराष्ट्र के नेता आना चाहिए, तो वारिस भाई ने इश्तेराक किया, आगाज हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये कांग्रेस वालों के बॉम्बे वाले दूल्हे बैठे आज, इंशाल्लाह दुआ करो हैदराबाद के दूल्हे भाई भी आने वाले हैं। बड़े ने तो छोटे खुशते भी दूल्हे भाई कोई ना कोई तो हैदराबाद, इंशाल्लाह आने वाले, क्योंकि ये अफिक्रता की लड़ अब ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं रखा है इन्होंने, ये ठंडा बना लिए ये लोगों, ये कांग्रेस वाले
धंधा और मकारी बन रहा है। अब इनकी तो हवाएं खत्म हो गई। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, 21 को सिर्फ पतंगी पतन और इंशाल्लाह 22 को जश्न, और जश्न हम मिलकर मनाएंगे, मेरे साथ जीत लो। यहां से लेकर शिवाजी नगर में जश्न मनाने का काम शुरू करो, यहां से रैली लेके जाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह यहां से लेके जाएंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से अद्भुत गुजारिश करता हूं, और बाकी की कुछ बैटिंग रह गई, तकरीर रह गई, इंशाल्लाह और भी कल से यहां पर और भी जिम्मेदारान आ रहे, इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आप तमाम लोगों से रजा लेता हूं। आने वाले 21 तारीख को सिर्फ पतंग 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 के को अपना टीम की ओर देकर कामयाब कीजिए। इन्हीं लफ्जों के साथ अपने बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम जय भीम।